नमस्कार, मैं हूं सौम्य माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटीबिग न्यूज के साथ और अभी मेरे साथ मौजूद है उकलाना हल्के से भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी पेश कर रहे नरसिंह सेलवार जी। तो सर, मैं आपका स्वागत करती हूं सिटीबिग न्यूज में। धन्यवाद। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, उकलाना हल्के से आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, इतने सारे दावेदार हैं, उसकी लिस्ट में आप अपने आप को कहां मानते हैं? देखो जी, बात यह है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। बड़े परिवार के अंदर दावेदार भी ज्यादा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी शुद्धता, मेरिट को महत्व देती है। तो जहां कहीं भी पार्टी के बड़े नेता जो मंथन करेंगे, उसमें जो भी साथी जीतने वाला उम्मीदवार होगा, जो इसके अंदर मेरिट के अंदर रहेगा, तो उसको पार्टी चुनाव लड़वाएगी। तो क्या लगता है, इस मेरिट के आधार पर आपको टिकट मिलेगी? देखिए, बात यह है कि जब कंपटीशन होता है, जितने लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, चाहे नौकरी की बात करें, राजनीति की बात करें, उसमें सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई नौकरी की बात है तो मैं ही लगूंगा। राजनीति में भी कौन ये कहता है मेरी मेरिट नहीं है? वो तो मेरिट बनाने वालों ने ही देखना है मेरिट में कौन है। उकलाना हल्के के आप रहने वाले हैं, उकलाना हल्के की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिस पर आप विधायक बनने के बाद काम करेंगे? समस्याएं बहुत होती है, समस्याओं का समाधान भी बहुत होता है। ये बात तो विधायक बनने के बाद ही आपको बताई जाएगी, पहले इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। कंपटीशन की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का आप किस पार्टी के साथ कंपटीशन मानते हैं? आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कंपटीशन नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है। तो ऐसे में जो हमने नारा लगाया है अब की बार 75 पार, तो माहौल को देखते हुए ऐसा लगता है कि 75 पार की क्या बात करें, कहीं 90 की 90 ही ना आ जाए तो कोई कंपटीशन कहीं किसी से लगता नहीं है। किस तरह के मुद्दे लेकर आप उकलाना की जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो जनता ने ही बनाया हुआ है और मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर और विशेष करके मेरिट के नाम पर जो नौकरियां हरियाणा प्रदेश में बिकती थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बढ़िया तरीके से मेरिट के आधार पर गरीब से गरीब बच्चे को भी जो नौकरी दिलवाने का काम किया है। तो हरियाणा की जनता चाहती है कि माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, ईमानदारी पारदर्शिता की, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भारत का नाम पूरे दुनिया के अंदर जो रोशन किया है, भारत का प्रत्येक नागरिक गदगद है और बड़ी खुशी के साथ भारतीय जनता पार्टी को हर जगह मेजोरिटी के अंदर लाना चाहता है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा को और विपक्षी नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाए जाने पर भाजपा को एक मजबूत विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है? आदरणीय बहन कुमारी सैलजा जी को जैसे ही हरियाणा का अध्यक्ष बनाया है या हुड्डा जी को बनाया है, कांग्रेस पार्टी अपने आप में और ज्यादा कमजोर पड़ गई है। और ज्यादा कमजोर इसलिए पड़ी क्योंकि हरियाणा की जनता ने ये मान लिया कि जो कांग्रेस पार्टी का पहले कप्तान था, कांग्रेस ने ही मान लिया है कि वो अयोग्य कप्तान था। तो जब टीम हारना शुरू करती है तो बार बार खिलाड़ियों को बदल बदल करके मैदान में लेकर आती है, ऐसा ही कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो उकलाना की जनता से ही आप सिटीबिग न्यूज के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उकलाना की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि उकलाना हल्का जो है वो काफी बड़ा और चारों तरफ फैला हुआ है। तो उकलाना की जनता का प्यार मुझे पहले भी बहुत मिलता रहा। 1996 में मैंने बरवाला विधानसभा से चुनाव लड़ा तो उस वक्त भी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी से अधिक मेरे को वोट मिले थे। 2009 में भारतीय जनता पार्टी से जब मैंने चुनाव लड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित थे। बेशक 2009 में पार्टी की लहर नहीं थी, लेकिन आज वही लोग बड़े उत्साहित हैं, बड़े खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नरसिंह सेलवाल आता है तो बड़े उत्साह के साथ, चाव के साथ वो बड़े भारी बहुमत से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो हमारे पक्ष में मतदान करेंगे जी। भारी वोटों से। पहले वहाँ से विधायक थे अनूप धानक, इंडियन नेशनल लोकदल के, अब उनका अलग अलग पार्टियों ने दे दी, पीछे दोबारा से वो मैदान में है, तो आप क्या कहेंगे, अनूप धानक ने अपने कार्यकाल में काम करवा पाए, उनको किस तरह के मुंह देखना पड़ेगा इस बार के चुनाव में? अनूप धानक जी वहाँ से विधायक बने
लेकिन अनूप धानक का लगातार हल्के से नदारद रहना, कभी नजर नहीं आना और फिर इनेलो का आपस में टूट के कगार पर जाना, वो अपने आप में ही अपनी साख बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अनूप धानक ने कभी भी सरकार से कोई मांग विकास की नहीं की और वहाँ पर सरकार ने विपक्ष का विधायक होते हुए भी बहुत सारे विकास के कार्य करवाए हैं। जहाँ हमारे मंत्री MLA हैं उतना ही काम वहाँ मंत्रियों के विधानसभा में हुआ और उतना ही काम उकलाना विधानसभा में हुआ है। सिटी बिग न्यूज़ में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो ये थे नरसिंह सेलवार जी। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी इन पर अपना विश्वास दिखाकर जो उकलाना हल्के से दावेदारों की इतनी लंबी लिस्ट है उनमें से इनको सिलेक्ट करके टिकट देती है या नहीं देती। आपके सामने फिर से मौजूद होंगी कई कोई नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।